कोई हमदर्द दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहा हो, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करते रहे और किसी दिन आप दरवाजा खोलकर देखते हैं कि आपको उसकी कितनी जरूरत थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और यही कुछ फिलहाल ईरानी ट्रॉफी की एक पारी में 191 रन बनाने वाले अभिमन्यु ईश्वरन के साथ भी हो रहा है। जब भी किसी ऐसे क्रिकेटर की बात होती है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा रहा हो लेकिन नेशनल कॉल अप का इंतजार लंबा हो जाए, तो इस फहरिस्त में अभिमन्यु ईश्वरन का नाम सबसे पहले आता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उस खिलाड़ी के नाम जो अमोल मजूमदार 2.0 बनने की कगार पर आ खड़ा है। आज कहानी अभिमन्यु ईश्वरन की। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से क्रिकेट जगत में एक अलग पहचान बनाई, पर नेशनल स्क्वाड में परमानेंट जगह के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अभिमन्यु का जन्म 6 सितंबर 1995 को देहरादून में हुआ था, लेकिन उनकी जड़ें तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं। उनकी क्रिकेटिंग जर्नी सिर्फ उनका सपना नहीं था, ये उनके पिता का भी सपना था। अभिमन्यु के पिता रंगनाथ ईश्वरन एक CA हैं। उन्होंने कई साल पहले पुरकुल गाँव में अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी की स्थापना की थी। इस अकेडमी में ही अभिमन्यु ने भी क्रिकेट की ABCD सीखी। इसके बाद वो बंगाल आए थे। उनके पिता ने कहा था कि मेरे लिए स्टेडियम कोई उपलब्धि नहीं है, हालांकि यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन असल उपलब्धि तभी होगी जब मेरा बेटा भारत के लिए 100 टेस्ट खेल सकेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट की दुनिया में अभिमन्यु का नाम एक मजे हुए बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। 2013 में उनका डेब्यू बंगाल के लिए हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। खास करके 2018-19 की रणजी ट्रॉफी सीजन उनके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुआ। इस सीजन में उन्होंने 861 रन बनाए और बंगाल को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बैटिंग स्टाइल को देख करके अक्सर लोग उन्हें टेक्निकली साउंड प्लेयर कहते हैं और उनकी टेम्परामेंट भी एकदम सॉलिड है। ये बात सभी उन सभी यंग प्लेयर्स के लिए एक बड़ी सीख है जो सिर्फ एग्रेसिव क्रिकेट पर फोकस करते हैं। उनके आंकड़े उनकी काबिलियत की बखूबी गवाही देते जा रहे हैं। पिछले 6 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 3 शतक, 1 दोहरा शतक और 2 अर्धशतक बनाए हैं। अभी तक कुल 98 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके अभिमन्यु 167 पारी में 49 की बेहतरीन औसत से 7506 रन बना चुके हैं, जिसमें कुल 26 शतक और 29 अर्धशतक शामिल है। इसके अलावा लिस्ट में भी 88 मैचों में 47 की औसत से उनके नाम कुल 3847 रन है। 82 के स्ट्राइक रेट के साथ जिसमें 9 शतक और 23 अर्धशतक शामिल है। अगर आपको लग रहा हो कि आजकल ऑल फॉर्मेट प्लेयर की डिमांड ज्यादा है तो जरा ठहरिए और ये आंकड़े देखिए। 33 T20 पारियों में 128 के स्ट्राइक रेट और 37 के शानदार औसत से 976 रन, ये भी अभिमन्यु के ही आंकड़े हैं। अब आप ही बताइए वैसे ज्यादा क्या करें कि BCCI को इनकी याद आए, वो इसी समय काम आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि वही एकमात्र ऑप्शन है, उनका सीधा मुकाबला एक और बंदे के साथ है, नाम है ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन गायकवाड़ से टेस्ट मैच में उनका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ अभिमन्यु उनसे आगे है। अब किसकी जगह लेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2021 के WTC फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए उनको स्टैंड बाई पर रखा गया था। रोहित किंजरी के चलते बाहर होने की वजह से अभिमन्यु को 2022 के बांग्लादेश दौरे पर भी टीम के साथ रखा गया था, लेकिन मौका नहीं मिला। अभिमन्यु ने डोमेस्टिक क्रिकेट में खुद को बार बार साबित किया है, इतना कि 2019 में उन्हें इंडिया की टीम में शामिल किया गया। वहाँ उन्होंने साउथ अफ्रीका ए, श्रीलंका ए और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। फिर भी टीम इंडिया के मैन स्क्वाड में जगह मिलना एक चैलेंज बना रहा। स्टैंड बाई में ही रखा जाना दर्शाता है कि सेलेक्टर्स की नजर में वो हैं, पर मेन टीम में जगह न मिल पाना हमेशा से उनके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण है। अब सवाल ये है कि BGT में बैकअप ओपनर कौन होगा। आंकड़ों की बात करें तो इस साल डोमेस्टिक में गायकवाड़ ने 7 पारियों में 34 की औसत से 241 रन ही बनाए हैं, जबकि अभिमन्यु की बात हम कर चुके हैं, तो ऐसे में अभिमन्यु का ही पलड़ा भारी लग रहा है। चलिए इस गुत्थी को और आसान बनाते हैं। आप खुद देख चुके हैं कि अभिमन्यु ने कितने मैच में कितने रन बनाए हैं, 98 मैच और 7506 रन। वही गायकवाड़ ने 32 मैच में 2282 रन, इनकी औसत है 42 जबकि अभिमन्यु की है 49 की। तो यहाँ भी लगता है कि ईश्वरन ही ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ेंगे, हालांकि टीम में रोहित गिल और जायसवाल है, लेकिन तब भी BCCI को बैकअप ओपनर रखना ही पड़ेगा। देखिए रोहित को संभवतः अगले साल WTC फाइनल के बाद रिटायर हो जाना है, ऐसे में गिल तो ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि एक बैठी बिठाई थर्ड पोजीशन को कौन बिगाड़ना चाहेगा। तो जायसवाल के साथ ओपन करने के लिए फिलहाल दो ही नाम आगे आते हैं, एक गायकवाड़ और दूसरा अभिमन्यु। आइए कुछ और पहलुओं पर नजर डालें कि क्यों अभिमन्यु को इस बार ऋतुराज से ऊपर रखा जाना चाहिए। पहला तो यही है कि अभिमन्यु का डोमेस्टिक सीजन अभी तक जबरदस्त गया है, खास करके इस बार की दिलीप ट्रॉफी की 5 पारियों में उनके बल्ले से 77.25 की बढ़िया औसत से 309 रन निकले हैं, वो भी 2 शतकों के साथ। इसके अलावा 2024 के रणजी सीजन में उनकी औसत 168.50 की रही है। बात करें ऋतुराज की तो दिलीप ट्रॉफी में वो नाकामयाब रहे, 3 मैच की 6 पारियों में केवल 38 की औसत से उन्होंने 232 रन बनाए केवल 2 अर्धशतकों के साथ। दिलीप ट्रॉफी को इस बार जोनल मोड से हटा करके ABCD मोड में किया हुआ था कि BGT के लिए टेस्टिंग की जा सके। इस हिसाब से यहां तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन गायकवाड़ की जगह ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। दूसरी चीज जो गायकवाड़ को कम तरजीह देती है वो है गायकवाड़ का ऑफ साइड के सिक्स स्टंप पर ड्राइव खेलने जाना। इस कवर ड्राइव सिंड्रोम पर हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं। खैर गायकवाड़ की कमजोरी जग जाहिर है IPL से लेकर के दिलीप ट्रॉफी तक। हाल ही में खत्म हुई रानी ट्रॉफी में डेब्यूटेंट मोहम्मद जुनैद खान ने उनको इसी सेटअप के साथ आउट किया था। इसके अलावा जिम्बाब्वे के बॉलर मदरबानी ने भी उनकी हवा निकाल दी थी। तीसरी और जो सबसे बड़ी वजह है अभिमन्यु को गायकवाड़ के ऊपर वरीयता देने
देने की वो ये है कि अभिमन्यु को इंडिया से खेलते हुए बाहर के देशों में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। जुलाई 2023 तक उनकी औसत 47 की है, वो भी 34 गेम खेल करके, जिनमें 6 शतक शामिल है। अब क्रिकेट सिर्फ फिजिकल गेम नहीं है, मेंटल गेम भी है। अभिमन्यु ने इस चीज को बखूबी समझा और शायद इसलिए उनका धैर्य और मेंटल टफनेस इतना मजबूत है। रेगुलर प्रदर्शन के बावजूद जब नेशनल कॉल अप नहीं आता तो कई बार प्लेयर्स टूट जाते हैं, पर अभिमन्यु ने हर बार मजबूत होकर के कमबैक किया। उनके इस मेंटल टफनेस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2023 के रणजी ट्रॉफी में उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रखा, मानो ये दिखाने के लिए ये अभी भी तैयार है और किसी भी लेवल पर खेलने के काबिल है। जब एक बंदा लगातार डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्म करता है और फिर भी नेशनल स्क्वाड से दूर रहता है तो फैंस का धैर्य टूटने लगता है। सोशल मीडिया पर कई बार फैंस ने बीसीसीआई और सेलेक्टर्स को क्रिटिसाइज किया कि अभिमन्यु जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक साइड पर उनकी तारीफ होती है कि वो एक परफेक्ट टेस्ट क्रिकेटर हो सकते हैं, दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि उनकी बैटिंग स्टाइल मॉडर्न डे क्रिकेट में फिट नहीं होती है, जो कि एक फालतू की बात लगती है। अरे भाई, उसको मौका तो दो। लेकिन एक बात साफ है, अभिमन्यु का क्लास परमानेंट है और उनका टैलेंट नकारने योग्य तो नहीं है, चाहे आलोचक कुछ भी कहे। जो नंबर्स और कंसिस्टेंसी उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में दिखाई है वो सेलेक्टर्स के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल बना देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अभिमन्यु इतने टैलेंटेड हैं तो टीम इंडिया में उन्हें क्यों जगह नहीं मिल रही है। अब इसका जवाब शायद भारत की बैटिंग लाइनअप की डेप्थ में छिपा हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों से भरी बैटिंग लाइनअप में जगह बनाना आसान नहीं है। बीच में जब पुजारा और रहाणे की छुट्टी हुई थी तो उस वक्त अभिमन्यु का टीम में आना मायने रखता था, और भाई बैट्समैन जो ओपनर रहा वो नंबर 3 पर भी खेल लेता है। लेकिन बीसीसीआई ने अफरा तफरी करते हुए गिल को नंबर 3 कर दिया, अब वो वहाँ पर सेट हो चुके हैं, इसलिए अब अभिमन्यु के लिए या तो ओपनर या नंबर 4 पर ही जगह बनती दिख रही है। हालांकि सेलेक्टर्स भी शायद इस बात को समझते हैं कि अभिमन्यु के लिए अभी सही समय नहीं आया है, या फिर उन्हें लगता है कि उनकी बैटिंग स्टाइल आज के अग्रेसिव फॉर्मेट में थोड़ी धीमी हो सकती है। इसके अलावा भारतीय टीम का चयन काफी हद तक परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी पर आधारित होता है, लेकिन कई बार घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि चयन की प्राथमिकता उन खिलाड़ियों पर ज्यादा रहती है जो आईपीएल या फिर इंटरनेशनल स्टेज पर अच्छा प्रदर्शन कर चुके होते हैं। अभिमन्यु ने जितना भी शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी ये कि वो आईपीएल में उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। क्रिकेट में फॉर्म का बहुत महत्व है, जिस समय टीम में जगह खाली होती है उसी समय खिलाड़ी को अपनी फॉर्म साबित करनी होती है। अगर उस समय किसी खिलाड़ी की फॉर्म में गिरावट आ जाए तो उसका सिलेक्शन और भी मुश्किल हो जाता है। ईश्वरन के साथ ऐसा ही होता दिख रहा है, भले ही एक बेहतरीन बल्लेबाज है लेकिन जब जब टीम में ओपनिंग स्लॉट खाली हुआ उस समय उनके घरेलू प्रदर्शन में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से कई खिलाड़ियों को सीधे भारतीय टीम में एंट्री मिलती है। शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन के दम पर खुद को साबित किया, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन का नाम आईपीएल में उतना चर्चित नहीं रहा है जितना उनके घरेलू क्रिकेट में रहा है। इसी कमी के चलते उन्हें पॉपुलैरिटी और पहचान नहीं मिली जो कि टीम सिलेक्शन में मददगार साबित हो सकती थी। फ्यूचर को लेकर के अभिमन्यु के लिए फैंस के बीच हमेशा एक उम्मीद रहती है, जिस तरह से उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है वो एक ना एक दिन इंडियन टीम के लिए जरूर खेलेंगे। उनका पेशेंस और डिटर्मिनेशन उन सभी यंग प्लेयर्स के लिए एक उदाहरण है जो जल्दी हार मान लेते हैं। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है एक लंबे करियर के लिए। शायद उनका समय जल्दी आएगा जब वो नेशनल कलर्स में खेलेंगे, तो वो दिन उनके फैंस के लिए बहुत खास होगा। तो अभी अभिमन्यु ईश्वरन की जर्नी खत्म नहीं हुई है, इनफैक्ट शायद ये अभी एक शुरुआत है। वैसे ही शुरुआत नुमाई खसी के साथ हुई, तो मिसबाउल हक के साथ हुई। उनके फैंस अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो एक दिन बड़े प्लेटफॉर्म पर चमकेंगे। हम सभी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अभिमन्यु ईश्वरन भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी छाप छोड़ेंगे। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।